तेरे मैं अभिसार शर्मा, देश के गृह मंत्री अमित शाह। कल लोकसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने विपक्ष को यह कहते हुए पटखनी दी कि किसी भी आतंकवादी हमले में जो पीड़ित होता है, हम उसके मानवाधिकार की बात करें, आतंकवादियों के मानवाधिकार की बात नहीं। यानी कि सही खेल गए अमित शाह। वो जानते हैं कि आतंकवादियों के मानवाधिकार की बात कोई नहीं करने वाला है, मगर उन्होंने देश की जनता को यह बतलाने का प्रयास किया कि देखिए, हम तो पीड़ित के साथ खड़े हैं, ये जो विपक्ष है ना, ये आतंकवादियों के साथ खड़ा है। मगर मानवाधिकार का जो असली मुद्दा है, उसे इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। और उसकी मिसाल आज मैं आपको अपने कार्यक्रम में बतलाने वाला हूं, क्योंकि जब आप मानवाधिकार की बात करते हैं ना अमित जी, तो उन मुद्दों का जवाब दें जो आज मैं अपने दर्शकों के सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सुने अमित शाह ने किस तरह से विपक्ष को संसद के अंदर अपने इस बयान के जरिए पटखनी देने की कोशिश की। सुनिए अमित जी क्या कह रहे हैं। जब हम धमाके होते हैं, टेररिज्म फैलता है, हजारों हजारों लोग मारे जाते हैं, मरने वालों का भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ टेररिस्टों का ह्यूमन राइट नहीं है। गुनाह के विक्टिम उसका भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ गुनहगार का ह्यूमन राइट नहीं है। आप मुझे बताइए ना, हम सब जानते हैं कि अगर एक आतंकवादी हमला होता है तो उस हमले में हमारी सहानुभूति हमेशा पीड़ित के साथ होती है, आतंकवादी के साथ नहीं। अमित जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप मुद्दे को भटका क्यों रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मानवाधिकार को लेकर जो आप लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है, उससे आप मुंह क्यों फेर रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक एक नेता सचिन खटिक का। वो नवरात्र के दौरान कुछ मुसलमान जो वेजिटेरियन बिरयानी बेच रहे हैं, पहले तो ये इनका ठेला पलट चुका है, अब ये इस तरह से और निकला है और भी इसी तरह से ठेलों को पलट रहा है, जबकि खुद पुलिस उससे कह रही है कि भाई ये लोग वेजिटेरियन बिरयानी बेच रहे हैं, इन्हें परेशान मत करो। पुलिस वाला समझा रहा है सचिन खटिक को, जो कि भाजपा नेता संगीत सोम का समर्थक है। देखिए क्या हालत है उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ सरकार के राम राज्य की, देखिए वीडियो। जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर पुलिस समझा रही है सचिन खटिक को कि ऐसा काम मत करो। पुलिस खुद कह रही है कि हम कह रहे हैं कि वो वेजिटेरियन बिरयानी बेच रहे हैं। अमित जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसी ढेरों मिसालें दिखाई दे रही हैं जहां मेहनत से कमाने वाले मुसलमानों को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में और कई ऐसी जगहों पर। क्योंकि हुआ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जो एक मेयर बने हैं, उन्होंने कह दिया कि अब साउथ दिल्ली में कहीं पर भी नॉन वेज नहीं बेचा जाएगा। अब ये जो मुद्दा है वो आग की तरह हर जगह फैल रहा है। ये शख्स हैं प्रवेश साहिब सिंह, जो कि भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया पूरे देश में कहीं पर भी नॉन वेज बेचने की जरूरत नहीं है नवरात्रि के दौरान। मैं अमित जी आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर नवरात्रि के दौरान कोई मुसलमान नॉन वेजिटेरियन आइटम बेच भी रहा है, तो क्या वो भारतीय कानून की निगाह में गुनाह है, बताइए। और मैं आपसे यह भी समझना चाहता हूं कि क्या किसी भी सूरत में वो हिंदू धर्म का अपमान है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो लोग नवरात्रि के दौरान मुद्दा उठा रहे हैं इसका, और उसके जरिए मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है। उन लोगों का मानवाधिकार कहां गया। बात यहां नहीं रुकती है। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं हलाल के मुद्दे पर, हिजाब के मुद्दे पर किस तरह से टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को। अमित जी, जब आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो उनके ह्यूमन राइट्स की बात कीजिए ना। मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं, डेक्कन हेरल्ड की खबर है, कर्नाटक की खबर है। जी हां, कर्नाटक, एक बार फिर कर्नाटक को बद से बदतर किया जा रहा है। इस खबर के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद ने किसानों से कहा है कि तुम जो अपना उत्पाद है, अपना प्रोड्यूस है, वो सिर्फ हिंदुओं को बेचो हिंदू बिचौलियों के जरिए। मुसलमानों को मत बेचो, सिर्फ हिंदुओं को बेचो, और वो भी हिंदू बिचौलियों के जरिए। अब मैं समझना चाहता हूं देश के गृह मंत्री से, विश्व हिंदू परिषद जैसे पूरा संरक्षण मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, मैं आपसे समझना चाहता हूं अमित जी,
यहां पर विश्व हिंदू परिषद खुलेआम इस तरह से बात कर रही है। आप यह भी जानते हैं कि हिजाब के विवाद को बेवजह किस तरह से बढ़ाया गया था, वो मुद्दा कहीं नहीं था, मगर चूंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे थे, एक साल के अंदर शायद कर्नाटक में चुनाव हैं, आपने मुद्दे को ज्वलंत किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हालत कर्नाटक में कोई बहुत अच्छा नहीं। नतीजा यह है कि आज की तारीख में दुनिया में जो आईटी हब कहा जाता है कर्नाटक, वहां पर किन मुद्दों की बात हो रही है? हिजाब, हलाल, इन्हीं तमाम मुद्दों की बात हो रही है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विश्व हिंदू परिषद ने जो ऐलान किया है कि सिर्फ हिंदुओं को बेचा जाए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वहां पर जो अन्य धर्मों के ह्यूमन राइट्स हैं, मानवाधिकार हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर खामोश हो जाती है? इन मुद्दों पर आपकी सरकार क्यों कुछ नहीं कहती, मैं समझना चाहता हूं। बताइए, क्या आप विश्व हिंदू परिषद के इस मांग का समर्थन करते हैं? हिजाब का मुद्दा, वो मुद्दा ही नहीं था, एक अरसे से वहां मुस्लिम औरतें जो हैं हिजाब पहनकर आया करती थी, फिर आपने बेवजह उसे विवाद बना दिया। बाकायदा एक स्पॉन्सर्ड अभियान चला, एक सोची समझी साजिश के तहत हिजाब और बुर्का पहने लड़कियों को टारगेट किया गया। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस मुद्दे पर कभी आपने सोचा है? बताइए, क्योंकि आपने तो बहुत चतुराई से आतंकवादी बनाम पीड़ित की तरफ बहस को ढकेल दिया, मगर दूसरी तरफ जो असली मुद्दा है आपके राज में, हिजाब, हलाल और इन तमाम मुद्दों पर जो विवाद हो रहा है, उस पर आप कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं समझना चाहता हूं आखिर क्यों। और मेरा सवाल इस देश की जनता से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नवरात्रि के दौरान कोई अपने घर में बैठकर मटन बिरयानी खाए, उससे हमारा धर्म कैसे आहत होगा? बताइए, वो अपने घर में खा रहा है, उससे हम कैसे आहत हो जाएंगे? दूसरा मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर कोई लड़की स्कूल जाए एक हिजाब पहन के, एक हेड स्कार्फ पहन के, उससे हिंदू धर्म कैसे आहत हो जाएगा, मुझे बताइए। इसके अलावा आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, ठीक है, आपके धर्म में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, और मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हमें नॉन वेज हलाल खाना चाहिए या झटका खाना चाहिए। अगर आपको ऐसा नॉन वेजिटेरियन परोसा जाए जो कि हलाल हो, मैं आपसे समझना चाहता हूं इससे क्या हिंदू धर्म आहत हो जाएगा? मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए, सोच समझ कर दीजिए, बौखलाकर गुस्सा होकर मत दीजिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या इन किसी भी सूरतों में हिंदू धर्म आहत हो रहा है, हिंदू धर्म खतरे में पड़ रहा है? आप लोग तो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे एक जमाने में कुछ कट्टर मौलवी होते थे जो मुसलमानों को बरगलाते थे और बार बार कहते थे कि इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में, और ये इस्लाम खतरे में है का नारा देकर उनसे तमाम अनाप शनाप काम कर दिए जाते थे। मैं ये जो नारा है कि हिंदू खतरे में है या हिंदू धर्म खतरे में है, पिछले कुछ दिनों से लगातार सुन रहा हूं। अब ये नवरात्र के नाम पर ये जो मजाक हुआ है, इस मुद्दे को प्रियंका चतुर्वेदी ने भी उठाया है अपने बयान के जरिए, और उन्होंने जो है ये सवाल किया है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर से। सुदर्शन नाम का एक न्यूज चैनल है, ये न्यूज चैनल जो है वो पहुंच जाता है हल्दीराम के एक दुकान में और कहता है कि ये जो मिक्सचर आप बेच रहे हैं इसमें उर्दू में क्यों लिखा हुआ है, आप हमसे क्या छुपा रहे हैं? अरे भाई, उर्दू राष्ट्रीय भाषाओं में से एक है, जो 22 राष्ट्रीय भाषाएं उनमें से एक उर्दू है, और इन मूर्खों को पता होना चाहिए कि वो उर्दू में नहीं लिखा हुआ था, वो अरबी में लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि हल्दीराम मिडल ईस्ट और अरबी देशों में भी अपना सामान बेचता है, वो चाहता है कि जो अरब देशों में लोग रहते हैं, जो सिर्फ अरबी पढ़ते हैं, वो भी इसे पढ़ें और इसे खरीदें, सिर्फ बिजनेस सोच है इसके पीछे। मगर एक चैनल इस तरह का नाटक, इस तरह की नफरत खेलता है, और मैं आपसे समझना चाहता हूं अमित जी कि इन नफरतियों के बारे में आपका क्या कहना है, इन नफरतियों पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? खैर, नफरत की क्या बात करना, जैसे अभी अभी मैंने सूचना और प्रसारण मंत्री की बात की, माननीय अनुराग ठाकुर, ये वो आदमी है जिसने दिल्ली चुनावों से पहले खुलेआम मंच पर खड़े होकर देश के गद्दारों को गोली मारो वाले नारे लगाए थे। उसके बाद क्या हुआ था, ये कपिल गुर्जर और ये सो कॉल्ड नाबालिग राम भक्त गोपाल शाहीन बाग और जामिया में पहुंच के गोलियां चलाने लगते हैं। खुद आपके एक और सांसद हैं प्रवेश साहिब सिंह, वो भी भड़काऊ बयान देते हैं, और खुद आपने कहा था अमित जी, याद है, कि बाबरपुर में बटन दबाओ शाहीन बाग को करंट लगेगा।
तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी में तो इन नफरतियों को इनाम मिलता है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा इस कार्यक्रम की शुरुआत में जिस सचिन खटिक की मैंने बात की, मुझे ताज्जुब नहीं है कि किसी बाय इलेक्शंस में उन्हें आप विधायक के तौर पर पेश कर देंगे जनता के सामने।